नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम फिर से कुछ रहस्यों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम कितने भी विकास कर ले पर हमारे आसपास काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें होती है जिनके बारे में हम जाकर भी पता नहीं लगा सकते, और इन्हीं को हम रहस्य कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग रहस्यों को जिनके बारे में हम आज तक सही तरीके से समझ नहीं पाए कि आखिर वो है क्या। नंबर वन, ताओस हम। दोस्तों, न्यू मैक्सिको में एक बेहद ही सुंदर और छोटा सा शहर है जिसका नाम है ताओस, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित है क्योंकि इस शहर के बाहरी इलाकों में डीजल इंजन के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। और दोस्तों, इस आवाज़ को साफ साफ हर कोई सुन सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब तक कई डिटेक्टिव मशीन भी इन आवाज़ों के स्रोत का पता नहीं लगा पाई है, यानी वो आवाज़ कहाँ से निकलती है इसका अभी तक कोई पता नहीं है। और दोस्तों, इस आवाज़ को ताओस हम के नाम से जाना जाता है। नंबर टू, वॉइनिस लिपि। दोस्तों, मानव साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा तरक्की कर चुका है मगर वो आज तक इस भाषा में लिखी हुई लिपि को नहीं पढ़ सका है। दोस्तों, इस भाषा को और इसे पढ़ने की काफ़ी कोशिश की जा चुकी है लेकिन आज तक इसे कोई भी नहीं पढ़ पाया है। और दोस्तों, इसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारियां मिलती है वो इस किताबों पर बने हुए तस्वीरों की वजह से ही मिलते हैं। इसके अलावा इसमें क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर थ्री, रासी खत वाला कातिल। दोस्तों, 1960 और 70 के दशक में सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी के इलाकों में एक क्रिमिनल पाया जाता था जिसे पुलिस और प्रेस रासी कातिल के नाम से जानती थी। दोस्तों, ये कातिल पुलिस और प्रेस को ऐसे ऐसे दिमाग खराब कर देने वाले खत लिखा करता था कि लोग इनके खतों को पढ़कर पागलों के जैसा अनुभव करने लगते थे। दोस्तों, इसके द्वारा भेजे गए चार खतों में से केवल एक ही खत का मतलब निकाला जा चुका है, बाकी के जो तीन खत हैं उनमें ये तक पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिर इसमें लिखा क्या है। तो दोस्तों, ये भी आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर फोर, जॉर्जिया गाइडस्टोन। दोस्तों, अमेरिका के स्टोन हेज के तौर पर जाना जाने वाला ये गाइडस्टोन जो एल्बर्ट काउंटी में स्थित है, इसके इर्द गिर्द भी कई प्रकार के रहस्यमय लेख या कहानियां लिखे गए हैं। वैसे दोस्तों, इसे 1979 में ही बनाया गया है। और दोस्तों, इनकी दीवारों पर 10 नए कमांडमेंट्स अंग्रेजी, स्वाहिली, हिंदी, हेब्रू, अरबी, चाइनीज, रशियन और स्पेनिश में लिखे गए हैं, मगर इसे अब तक समझा नहीं जा पाया है कि आखिर इसमें क्या, क्यों और किस लिए लिखा गया है। तो दोस्तों, आज तक ये भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर फाइव, द लोकनेस मॉन्स्टर। दोस्तों, इसके बारे में कई प्रकार की रहस्यमय कहानियां प्रचलित है कि अब तक लोग ये भी मानते हैं कि यह एक समुद्री जीव है। इसकी ना जाने कितने ही तस्वीर और वीडियोस बनाए जा चुके हैं जिसे देखकर कोई इसे समुद्री सांप कहता है तो कोई डायनासोर का वंशज बताता है। यही नहीं दोस्तों, बल्कि कई सारे लोग आज भी ये दावा करते हैं कि आज भी वो इसे कई इलाकों में पानी के अंदर या बाहर देखते हैं, मगर दोस्तों असल में ये क्या है इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। नंबर सिक्स, बिगफुट। दोस्तों, इसे लोग सास्क्वैच के नाम से भी जानते हैं। अगर लोगों की माने तो बिगफुट यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के बर्फीले पर्वतों में रहा करते हैं। इसके रंग रूप को देखकर कुछ लोग इसे गोरिल्ला बताते हैं तो कुछ इसके चलने के अंदाज को देखकर मानव बताते हैं, मगर दोस्तों आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी प्रकार की और वीडियोस आपके लिए बनाएं, और हम आपके लिए जितनी मेहनत करके, जितना एफर्ट डाल के, जितना ज़्यादा बेहतर वीडियोस बना सके उतना बनाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, लाइक ज़रूर 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 कीजिएगा। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा भी बन सकते हो। मिलेंगे फिर किसी और नए वीडियो पे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।